इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों में गुजरने वाले ख्यालात और आंखों से की गई खयानतों तक का हिसाब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको कमल इरफान और उज्मा इफ्तिखार का और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज्जज मोहतरम मेहमानों को खुश आमदेद। अजीजान मन, हमारे पास बिजली नहीं है, ना होने के बराबर है। घर में जहां आप बैठे हैं वो एक बल्ब तो जरूर जला लें, बाकी घर के बल्ब बुझा दें। अगर पूरे पाकिस्तान वाले ये आदत अपना लें तो यकीन जाने कि हमारी बहुत सी मिलों के चिमनियों से धुआं निकलेगा, और चिमनियां जब धुआं उगलेंगी तो मजदूर के चेहरे पर भी खुशी और मुस्कुराहट आएगी। पानी बचाइए, बिजली बचाइए, पेट्रोल बचाइए, अपने आप को बचाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई दोस्त ये बताएगा कि सूरजमुखी का जो फूल होता है इससे कौन सा रंग बनता है? जी पीला। अच्छा, येलो जरूर कहना कि सानू अंग्रेजी आती है। पीला रंग, जो जैसा आपने ये रंग पहना हुआ है, सूरजमुखी के फूलों से इस तरह का रंग तैयार किया जाता है। तशरीफ लाएं। पाकिस्तान की किस अजीम शख्सियत का मैट्रिक का रोल नंबर 673 था? इल्लामा इकबाल। इल्लामा कोई लफ्ज नहीं है, अल्लामा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। जवाब दुरुस्त है। तशरीफ लाएं। मेरे हॉल का ऐसा मेहमान जो दिन में को 20 प्यालियां चाय की पीता, कितनी प्यालियां दिन में पीते? 22 या 20। 20 वो ट्रैवल एजेंसी है तो वो हमें, हमारे जो क्लाइंट है वो। अच्छा, जो ग्राहक आया उसके साथ आ जा, चाह ले आ मुड़े चाह। अच्छा साहब, सवाल ये है कि अगर आपका हवाई जहाज त्रिभुवन एयरपोर्ट पर उतर रहा हो तो आप किस एशियाई शहर में उतर रहे होंगे? नेपाल। नेपाल खटमंडू। जवाब दुरुस्त है। तशरीफ लाएं। जी आप दोनों मेहमान हैं वाइटल चाय बनाने वालों के। वाइटल चाय बनाने वालों ने आपके लिए अपने तोहफे और कैश किताब का तोहफा भी आपके लिए भेजा है, और यही सूरत हाल आपके साथ है। आप कितनी प्यालियां रोज पीते हैं? 20, 21, 22। एक गलते रहो तकरीबन 20 थे, चलो मान ली। आप दोनों मेहमान हैं जिप्सी वाइटनिंग सोप बनाने वालों के। जिप्सी वाइटनिंग सोप के सवालों के आपने जवाब दिए, उनकी तरफ से जिप्सी वाइटनिंग सोप की तरफ से किताब और कैश का तोहफा आपके लिए, कैश किताब आपके लिए। बिस्मिल्ला। गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स बनाने वालों की तरफ से म्यूजिकल चेयर का ये छठा प्रोग्राम है, और जो फाइनल का प्रोग्राम गालिबन आठवां होगा, उसमें हम जीतने वाले को सोने का लॉकेट भी पेश करेंगे। आज भी गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स के तोहफे तमाम मेहमानों के हाथ में हैं। अब पहला, दूसरा और तीसरा इनाम कौन जीतता है वो देखना है आप में से। गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स अपना पैगाम देते हैं। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो दुनिया माने। गोल्डन पर्ल।
जी। गोल्डन गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स। आप तीसरे नंबर पर आए, आपके लिए कैश किताब का तोहफा। आप दूसरे नंबर पर हैं, कैश किताब का तोहफा। और द विनर खुद बना सकता हूँ, बनाओ।